यह पुजारी बुस पान नफर मे पुजारी त्रे मुलाकात कर टोटल और अगर बे वा इनशा विकस तक पुजारी नीचे जहरस मे अगर टोटल कर अभी ये 70 साल की नहीं है, इसको 60 साल 50 साल 40 साल नहीं हुए, ये खाली 1 साल की बात है। बात जरूर होगी बहरहाल बाकी पुन प्रोग्राम मे चल अलताफ सब सत कर मजिले ओद इंडस्ट्री पैकेज गो अलताफ तुम बूज रेडियो पे अलताफ सोन दो 500 करोड़ से कर पशी मई नई नई पत् संगे अलताफ सबस मुसिवस कोर रात एलान दोन आ मे कोर एलान सैन कुपुर से कोर एलान ठीक कत लगन इंडस्ट्री दुख क्या मे कपरस लाग ढाई हथ करो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट ढाई हथ लाग कुपवारा डिस्ट्रिक्ट ढाई हथ लाग यपर कुछ पलवाम शाह बनान कत खाल राठ उत्सव आफिस पे चौक आज डायरेक्ट फोन कर हनवार अ प्रॉब्लम आपकी और इस हंदवाड़ा की शान अब्दुल रशीद भट्ट साहब हमारे जहां तक कश्मीर की जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करें मुश्किलातों में दो चार है जहां पे या कोई भी चीज यहां पे मुतवक्का नहीं है। आपको पता है कि हमारे हरीफ जो है वो ऐसे लिबासों में आते हैं काल शाहसान आखिरी बार लगे सुबह शासन दही लिबास लेके और हमारे असलाफों को उन्होंने मैं हमारे असलाफ जो है तुम्हें सोच साथ मैं अगर हमारे परदादे परदादों की बात करूं वो सीधे साधे लोग थे उनको इस्तेमाल किया गया और उसको उनको जज्बाती सियासत के नाम पे उनको मैं बेवकूफ नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे असला बेवकूफ नहीं हो सकते हैं लेकिन वो सीधे साधे लोग थे उनको गलत रास्ते पे चलाया गया और जिसका खमियाजा आज हमारा नौजवान यहाँ पे उठा रहा है जिसका खमियाजा आज वो नौजवान उठा रहा है लीडर को वहां पे कहता था कहा मैंने उनको कहा जो सो कॉल्ड लीडर वहां पे अपने आप को कहता है मैंने कहा जनाब मुझे लगता है कि आर्टिकल 370 को उठाने की कोशिश की जा रही है मुझे लग रहा है कि हमारे लीडरों को हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स को भगाने को वक्त आ गया है आपको ज्यादा मेहरबानी करने की इजाजत नहीं देंगे ये डोर जो है ये अपनी पार्टी अपने हाथों में लेने वाली है और उन ऑफिसर्स को भी कहना चाहता हूँ जो गलतियां हुई आपसे अब आप अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश उठा के और खड़े होकर मुझे ये बात दे दीजिए कि हम उन मकान हुआ हो रहे हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे हो रहे हैं आज हमने हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारे यूथ के हमारे एक्टिविस्ट से और ऑफिस बियर्स से उनके साथ गेट टुगेदर करने का एक हमने प्रोग्राम रखा था उसी सिलसिले की एक कड़ी क्या लग रहा है इलेक्शन का बिगुल बजने लगेगा देखिए जनाब इलेक्शन का बिगुल जब भी बजेगा हमने कभी इलेक्शन की सियासत की नहीं है ये वाहिद एक पार्टी है ये तब वजूद में आ गई जब हर कहीं से हुहू का आलम था लोग परेशान थे लेकिन एक ऐसा ग्रुप हमारे कायद अल्ताफ बुखारी साहब की सरबराही में निकला चाहे यहाँ पे ज़मीन की बात हो चाहे यहाँ पे युवाओं की रोज़गार की बात हो चाहे डोमसाइल का मसला हो वाहिद एक ही तंजीम है उस टाइम पर जो लोगों के लिए बात करने निकली जमीन को एब्रोगेट करने के बाद ही जब हम वज़ीर आज़म से मिले हमने ये कहा कि ये फैसला सही नहीं था गैर जमहूरी था लेकिन हमने लोगों की जज्बात और एहसास की कदर करते हुए हम बाहर निकले हम लोगों के बीच में निकले जब ये लोग गुपकार पे बैठे थे और अपने हमामों में गर्म हमामों में बैठे थे हम लोगों के बीच में निकले हमें ये पता है कि लोग मुश्किलात में हैं हर किसी तरफ से लोगों को कोई राहत नहीं पहुँच रही है लेकिन कोशिश करते हैं हम अपनी पार्टी के जहाँ पे भी हमारे सरबराह होते हैं हमारे अपनी पार्टी के जहाँ पे भी लीडरान होते हैं लोगों के साथ उठ मिल बैठ के उठ बैठ के उठते हैं बैठते हैं
और कोशिश यही होती है। अगर हम उन रीजनल पार्टीज की बात करेंगे, उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो ही आर्टिकल 370 पे हुआ करता था, उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो। आप अगर ऐसे सियासतदानों पे भी नजर मारेंगे 2019 में जो तैयारी कर रहे थे कि चीफ मिनिस्टर चेयर पे बैठने के लिए और कैबिनेट में बैठने के लिए, उन्होंने ये कहा था कि जब हम पावर में आएंगे हम 1953 की पोजीशन को बहाल करेंगे। लेकिन मैं उनको आज आपके माध्यम से ये बात याद दिलाना चाहता हूँ, जो आप 1953 की पोजीशन बहाल करना चाहते थे, आपने तब से हमारे आर्टिकल 370 को इतना खोखला क्यों किया था? अगर आपने अपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की